हेलो दोस्तों, मैं हेमंत पवार एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे। तो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं पीडीआई के बारे में। तो पीडीआई क्या होता है? पीडीआई होता है प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है और बहुत सारे कस्टमर इसे स्किप कर देते हैं। तो मेरे वीडियो बनाने के पीछे एक छोटा सा यही मोटिव है कि आप सभी लोगों को पता चले कि पीडीआई जैसा भी कोई स्टेप होता है और कितना इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। तो ये कई डीलरशिप्स बताती भी नहीं है और उन लोगों को पता नहीं होता। तो आप पीडीआई के लिए ज़रूर पूछें अपने डीलर से, और ज़रूरी नहीं कि ये टाटा की ही कोई कार परचेज करते हुए पीडीआई होगी। आप कोई सी भी कंपनी कार परचेज करें तो उससे पहले बात करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंटीरियर से। तो सबसे पहले जो आपको चेक करना है अपनी कार में कि आपकी कार चली हुई कितनी है। यहाँ पर आप ये इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि ऑडोमीटर हो, कोई ट्रिप ए या बी ना चेक कराए। ऐसे जो ऑडोमीटर होता है वहीं पे आपको चेक करना है कि गाड़ी कितनी भी चली है। जब हमने ये परचेज़ करी थी, ये हमें मिली थी 15 किलोमीटर चली हुई। और आप भी इसी तरह से देखिएगा कि ऐसी 50 तक की रेंज में आप हो तो आप बात करके एक्सेप्ट कर सकते हो उस कार को। उससे ज़्यादा मेरे को नहीं लगता कि आपको एक्सेप्ट करनी चाहिए वो कार। और अगर ज़्यादा ही है तो उनसे क्वेश्चन पूछिए कि मतलब क्यों इतनी चली हुई है, और वो अगर आपको वैलिड रीज़न लग रहा है तभी आप वो कार परचेज़ करें। नेक्स्ट आप देखिए, इधर आपके टाटा के जितने भी क्रोम वाले पार्ट्स हैं, इस पर कोई भी स्क्रैचेस ना हो। जितने भी पियानो फिनिश में आपको दिख रहे हैं, ये हो गया स्टीयरिंग व्हील हो गया, इधर डैशबोर्ड हो गया, जितने भी पियानो फिनिश में ब्लैक जितने भी हैं, और यहाँ पे चेक करें कि कोई स्क्रैच तो नहीं है। ये सारा डैशबोर्ड में चेक करें, और यहाँ पे ऑल दो पन्नी वन्नी लगी हुई होती है, कई बार नहीं भी होती हैं। जैसे हमने जब ली थी तो इधर पन्नी नहीं थी, कई बार मिल भी जाती हैं। तो वो सब चीज़ें चेक करें और कोई स्क्रैच ना हो, इधर गियर नॉब पे कोई स्क्रैच ना हो। ये सारी चीज़ें चेक करें जितने भी पार्ट हैं। तो ये इंटीरियर का आगे से फ्रंट में। हाँ, और ORVM चेक करें कि इसकी वर्किंग प्रॉपर हो रही है कि नहीं हो रही। तो ये सब चीज़ें चेक करें, IRVM की मूवमेंट चेक करें, इधर लाइट जला के चेक करें कि ये प्रॉपर वर्किंग है कि नहीं। और हाँ, फिट एंड फिनिश भी बिल्कुल चेक करनी चाहिए आपको, कि इधर कई बार होता है यहाँ से फिट एंड फिनिश में कोई दिक्कत हो जाती है। तो ये सारे चेक करें कि प्रॉपर फिटिंग है कि नहीं है इस पूरे डैशबोर्ड पार्ट की। क्योंकि ये देखिए, बहुत बड़े बड़े एक ही पार्ट होते हैं, जैसे गेट का एक ही पार्ट होता है, ये डैशबोर्ड का काफ़ी बड़ा एक ही पार्ट होता है। तो इसमें कई बार होता है फिट एंड फिनिश में थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। तो वो सारी चीज़ें चेक करें, और इधर भी। और हाँ, ये विंडो चेक करें कि प्रॉपर वर्किंग है कि नहीं। इधर ये बटन होता है, ये चेक करें कि प्रॉपर वर्क हो रहा है कि नहीं, इससे बाकी सारे विंडोज़ खुलती नहीं है। तो ये सारी चीज़ें चेक करो। तो ये कुछ बात रही इंटीरियर के फ्रंट साइड के बारे में। बैक साइड में आपको क्या क्या चीज़ें चेक करनी चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। तो आ चुके हैं गाड़ी के रियर में। तो यहाँ पे भी आप ज़रूर चेक करें कि AC वेंट्स पे कोई स्क्रैच ना हो। यहाँ पे पूरा चेक करें, अच्छा बड़ा सा पैनल होता है ये, तो इस पे पॉसिबिलिटीज होती हैं कि कोई स्क्रैच वगैरह हो। तो आप ये ज़रूर चेक करें कि कोई स्क्रैच ना हो। और गेट्स में दोबारा से वही सब चीज़ें चेक करो कि यहाँ पे इस पूरे पैनल में कोई सा आपको स्क्रैच ना मिले ऐसी साइड। और हाँ, ये डोर के में जो फैब्रिक यूज़ होता है, ये कई बार कहीं से हो सकता है कट वट हो, तो आप इस चीज़ का भी पूरा ध्यान रखें, कहीं से ये कट रहा हो या फट ना रहा हो, तो इस बात का ध्यान रखें। और बात करते हैं इसके आर्मरेस्ट में। तो आर्मरेस्ट में आप ये देख रहे हैं, ये प्लास्टिक है, लेकिन ये जो इनर लाइनिंग देख रहे हैं आप, ये है रबड़। तो इसमें रबड़ चेक करें कि कोई कट ही ना हो। देख रहे हैं आप, फ्लेक्सिबल है, ये रबड़ होता है, तो ये कोई कटी वटी यहाँ पे कट ना हो, ये सब चीज़ें चेक करें। और बैक साइड में यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको छोटे छोटे यहाँ पे ऐसे क्लोथ हैंगर्स के लिए, हैंगिंग के लिए आपको यहाँ पे प्रोविजन मिलता है। तो इनकी फिटिंग यहाँ पे पूरी चेक करें कि यहाँ पे सही है कि नहीं। ऐसी साइड भी आपको देखने को मिलेगा, तो उसकी फिटिंग चेक करें। तो ये कुछ चीज़ें आपको रियर साइड में चेक करनी है। तो बात करते हैं हम गाड़ी के एक्सटीरियर के बारे में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि यहाँ पे अच्छे से आप इंस्पेक्शन करें कि कोई स्क्रैच आपको देखने को ना मिले। आप अपने ORVM से भी जरूर चेक करें कि यहाँ पे कोई स्क्रैच ना हो। इंडिकेटर्स को जला के देखें अंदर से कि सारे प्रॉपरली वर्किंग है कि नहीं। और ये ए पिलर में आपको यहाँ पे मैट फिनिश में मिलता है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि स्क्रैच हो, और लेकिन दिखता नहीं। तो ये चीज़ अच्छे से देखें कि कोई स्क्रैच आपको यहाँ पे देखने को ना मिले। और बॉडी पे पूरा चेक करें, रूफ में चेक करें, एंटीना में चेक करें कि कोई स्क्रैच ना हो, और रूफ रेल्स की फिटिंग चेक
चेक करें। ये सारे यहाँ पे आप हाथ लगा के चेक कर सकते हैं कि कोई आपको स्क्रैच ना मिले। और यहाँ पे देखें अच्छे से, ऐसे इस वाले पैनल में आप चेक करें कि स्क्रैच ना हो। बात करते हैं रियर के बारे में, तो आपको यहाँ पे क्या क्या चीज़ें चेक करनी है। आपको अपना बूट ओपन करना है और देखना है कि इसकी जो ये बूट का डोर है ये प्रॉपर अलाइनमेंट में नीचे आ रहा है कि नहीं। आपको हाथ लगा के ऐसे मूवमेंट में पता चल जाएगा। और यहाँ से भी चेक करें कि टेढ़ा तो नहीं जा रहा है ये कहीं से भी। ये वाला जब पार्ट होता है इसको चेक करें कि टिल्ट वगैरह तो नहीं है, अच्छे से चेक करें। और हाँ, स्टेपनी आपको चेक करनी है। आपको टूल किट आपको मिलेगी, ये पूरा चेक करें। इधर लैंप होता है ये चेक करें, ये सारे नॉब्स चेक करें। तो कार की हर विंडो में एक यूनिक नंबर होती है, आईडी नंबर होता है ये जो आपको दिख रहा है 43R ये वाला। तो ये चेक करें कि आपको सारी शीशों में, सारे विंडोज़ में आपको यही वाला नंबर मिले, यही यूनिक नंबर मिले। देखिए देखिए यही नंबर है सेम। ये चीज़ें चेक करनी है। बस जो आगे आपको विंडस्क्रीन मिलती है उसमें आपका नंबर चेंज होगा, बाकी सारे शीशों में यही नंबर होता है, होना चाहिए। देखिए यहाँ पे उधर भी, बस आगे वाला एक बार आपको दिखा देता हूँ, उसमें आपको नंबर चेंज मिलता है। आप देख सकते हैं ये, इसमें आपको बस चेंज मिलेगा, बाकी सारे सेम होने चाहिए। अगर नहीं है तो बात करिए अपने डीलर से कि ऐसा क्यों है। हो सकता है वो एक्सीडेंटल कार हो और आपको रिपेयर के बाद आपको मिल रही है। फ्रंट में अगर बात करें तो अपनी हेडलाइट, अपनी ये फॉग लैम्प्स और ये जो क्रोम फिनिश है इसमें पूरा चेक करें कि कोई स्क्रैच ना हो। और यही इसमें भी चेक करें, जो पियानो ब्लैक फिनिश में आपको देखने को मिल रहा है, ये पूरा अच्छे से चेक करें कि कोई स्क्रैच ना हो इसमें। सेम इन द स्कफ प्लेट पूरा चेक करें। टायर पैटर्न में हो सकता है ये देखो पतली पतली यहाँ पे जॉइंट्स हैं, तो कई बार टूटने का डर भी होता है, तो ये पूरा चेक करें कि ग्रिल में कोई क्रैक तो नहीं है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, अपनी कार का हुड ओपन करके देखना है कि ये जो जितने भी सारे पार्ट्स हैं ये बॉडी कलर में ही हो। जैसे वाइट है ये, तो सारी चीज़ें वाइट ही मिलनी चाहिए। इधर ये हो गया, ये सारा पार्ट आपको वाइट में ही मिलना चाहिए। ये देखिए जो भी आपका बॉडी कलर हो उससे ही मैचिंग होना चाहिए। बाकी अपनी बैटरी की प्लेसमेंट चेक करें कि ये सारा ठीक है कि नहीं, और उनसे पूछें कि कूलेंट और इंजन ऑयल फिलिंग वगैरह पूरी है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं चेक करना, देख सकते हैं आप। एक चीज़ आपको इम्पॉर्टेंट और बता दूँ, अगर जब आप अपना ड्राइवर साइड गेट ओपन करते हैं तो नीचे की तरफ यहाँ पे एक यूनिक नंबर होता है कार का, आप ये देख रहे हैं ये वाला। तो आप इस कार इस यूनिक नंबर की पे क्लिक करके ले जाएं जब PDI करने हैं, और डिलीवरी के टाइम चेक करेगी ये सेम नंबर है कि नहीं। कई बार ये लोग दूसरी कार भी दे देते हैं, PDI किसी और कार की कराते हैं और डिलीवरी के टाइम कोई और सी कार दे देते हैं। तो उस चीज़ से बचने के लिए आपको ये वाला नंबर ज़रूर चेक करना चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो करो लाइक, चैनल को करो सब्सक्राइब और शेयर करो अपने सारे फैमिली और फ्रेंड्स तक। मिलते हैं ऐसी किसी अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।